नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा में कृषि क्षेत्र में लाए गए तीनों अध्यादेशों के विरोध में किसान, व्यापारी और मजदूर सरकार का जमकर विरोध कर रहे हैं। जगह जगह पर किसानों द्वारा प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं और इसी को लेकर के हरियाणा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान का घेराव किसानों द्वारा किया गया। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा ये कहा गया है कि ये तीनों ही अध्यादेश केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हैं और पीपली की घटना निंदनीय है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने पहले किसानों को रोका और बाद में परमिशन देने का काम किया। और इसी के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस को भी जमकर घेरा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ये कांग्रेस द्वारा षड्यंत्र रचा गया है। कांग्रेस ने लोगों को गुमराह किया है, खासकर किसानों को, कि किसानों का इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होगा जबकि किसानों का इसमें सबसे अधिक लाभ होगा। पल पल हरियाणा से विशेष रिपोर्ट। प्रदेश सरकार में कोई भी अध्यादेश जारी नहीं, केंद्र सरकार तीन अध्यादेश लेकर आई जिसके अंदर फार्मर की जो MSP पे खरीद आज हम करते हैं गेहूं जीरी, वो उसी तरीके से चालू रहेगी, उसके अंदर कोई भी प्रतिबंध नहीं। मगर एक चीज जरूर मैं बोलता हूँ, जो घटना पिपली के अंदर हुई वो निंदनीय है और वहाँ पर इंक्वायरी होनी चाहिए उन लोगों के विरुद्ध जिनने पहले रोका और फिर उन्हीं ने ही परमिशन देने का काम किया। दूसरी चीज, एक एजेंडा प्रोपोगेट किया गया है कांग्रेस द्वारा और इस सोच के साथ कि तीन अध्यादेशों से फार्मर का बहुत नुकसान है। मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि इसके अंदर फार्मर की बचत पहले से भी ज़्यादा होगी और हमारे जो मंडी का सिस्टम है वो भी कोलैप्स नहीं करेगा। इसके अंदर तो जो आज बारी बारी गवर्नमेंट सरसों की खरीद के अंदर प्राइवेट बायर्स के भी पीछे जाती थी, नरमे की खरीद कोई प्राइवेट बायर करता था उनको मॉनिटर करती थी, उन लोगों को रिलैक्सेशन दी है कि उनको मार्केट फीस देने का काम नहीं करेगा अगर वो मंडी एरिया से बाहर खरीदते और बेचते हैं। और फार्मर के लिए तो उसके MSP पूरा शोर। प्रदेश सरकार में कोई भी अध्यादेश जारी नहीं, केंद्र सरकार तीन अध्यादेश लेकर आई जिसके अंदर फार्मर की जो MSP पे खरीद आज हम करते हैं गेहूं जीरी, वो उसी तरीके से चालू रहेगी, उसके अंदर कोई भी प्रतिबंध नहीं। मगर एक चीज जरूर मैं बोलता हूँ, जो घटना पिपली के अंदर हुई वो निंदनीय है और वहाँ पर इंक्वायरी होनी चाहिए उन लोगों के विरुद्ध जिनने पहले रोका और फिर उन्हीं ने ही परमिशन देने का काम किया। दूसरी चीज, एक एजेंडा प्रोपोगेट किया गया है कांग्रेस द्वारा और इस सोच के साथ कि तीन अध्यादेशों से फार्मर का बहुत नुकसान है। मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि इसके अंदर फार्मर की बचत पहले से भी ज़्यादा होगी और हमारे जो मंडी का सिस्टम है वो भी कोलैप्स नहीं करेगा। इसके अंदर तो जो आज बारी बारी गवर्नमेंट सरसों की खरीद के अंदर प्राइवेट बायर्स के भी पीछे जाती थी, नरमे की खरीद कोई प्राइवेट बायर करता था उनको मॉनिटर करती थी, उन लोगों को रिलैक्सेशन दी है कि उनको मार्केट फीस देने का काम नहीं करेगा अगर वो मंडी एरिया से बाहर खरीदते और बेचते। और फार्मर के लिए तो उसके MSP पूरा शोर। प्रदेश सरकार में कोई भी अध्यादेश जारी नहीं, केंद्र सरकार तीन अध्यादेश लेकर आई जिसके अंदर फार्मर की जो MSP पे खरीद आज हम करते हैं गेहूं जीरी, वो उसी तरीके से चालू रहेगी, उसके अंदर कोई भी प्रतिबंध नहीं। मगर एक चीज जरूर मैं बोलता हूँ, जो घटना पिपली के अंदर हुई वो निंदनीय है और वहाँ पर इंक्वायरी होनी चाहिए उन लोगों के विरुद्ध जिनने पहले रोका
और फिर उन्हीं ने ही परमिशन देने का काम किया। दूसरी चीज, एक एजेंडा प्रोपोगेट किया गया है कांग्रेस द्वारा, और इस सोच के साथ कि तीन अध्यादेशों से फार्मर का बहुत नुकसान है। मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि इसके अंदर फार्मर की बचत पहले से भी ज़्यादा होगी, और हमारे जो मंडी का सिस्टम है वो भी कोलैप्स नहीं करेगा। इसके अंदर तो जो आज बारी बारी गवर्नमेंट सरसों की खरीद के अंदर प्राइवेट बायर्स के भी पीछे जाती थी, नरमे की खरीद कोई प्राइवेट बायर करता था उनको मॉनिटर करती, उन लोगों को रिलैक्सेशन दी है कि उनको मार्केट फीस देने का काम नहीं करेगा अगर वो मंडी एरिया से बाहर खरीदते और बेचते। और फार्मर के लिए तो उसके MSP पूरा शोर, प्रदेश सरकार में कोई भी अध्यादेश जारी नहीं, केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लेकर आई जिसके अंदर फार्मर की जो MSP पे खरीद आज हम करते हैं गेहूँ जीरी वो उसी तरीके से चालू रहेगी, उसके अंदर कोई भी प्रतिबंध नहीं। मगर एक चीज जरूर मैं बोलता हूँ कि जो घटना पिपली के अंदर हुई वो निंदनीय है, और वहाँ पर इंक्वायरी होनी चाहिए उन लोगों के विरुद्ध जिनने पहले रोका और फिर उन्हीं ने ही परमिशन देने का काम किया। दूसरी चीज, एक एजेंडा प्रोपोगेट किया गया है कांग्रेस द्वारा, और इस सोच के साथ कि 3 अध्यादेशों से फार्मर का बहुत नुकसान है। मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि इसके अंदर फार्मर की बचत पहले से भी ज़्यादा होगी, और हमारे जो मंडी का सिस्टम है वो भी कोलैप्स नहीं करेगा। इसके अंदर तो जो आज बारी बारी गवर्नमेंट सरसों की खरीद के अंदर प्राइवेट बायर्स के भी पीछे जाती थी, नरमे की खरीद कोई प्राइवेट बायर करता था उनको मॉनिटर करती, उन लोगों को रिलैक्सेशन दी है कि उनको मार्केट फीस देने का काम नहीं करेगा अगर वो मंडी एरिया से बाहर खरीदते और बेचते। और फार्मर के लिए तो उसके MSP पूरा शोर,